समाज में हिंदू धर्म से जुड़े कई धार्मिक शास्त्र व ग्रंथ प्रचलित हैं, जिनमें से एक है महाकाव्य महाभारत। इस ग्रंथ में संपूर्ण द्वापर युग वर्णित है। इससे संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के कुछ ऐसे श्राप जो मिले तो महाभारत के समय में थे, परंतु आज भी इन श्रापों को जनमानस भुगत रहे हैं। नंबर एक पे है, युधिष्ठिर ने दिया था स्त्रियों को यह श्राप। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठ के विलाप करने लगी। यह देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपने आंसू बहा रही है? तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने कुंती से पूछा, माँ क्या बात है जो आज आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं? तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हो, वास्तव में तुम सभी का वो बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौंते था। अपनी माता के मुख से ऐसी बात सुनकर पांडव बहुत दुखी हुए। फिर कुछ क्षण रुक कर युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से बोले कि माते, ये बात आपको सदा से विदित थी कि अंगराज कर्ण हमारे बड़े भाई थे, तब आपने हम लोगों को यह बात बताई क्यों नहीं? इतने दिनों तक यह बात आप छुपा कर क्यों रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दूसरे नंबर पर है श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आसन तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। यह देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम इस पृथ्वी तक पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलती रहेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। नंबर तीन, जब पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने हुए तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासनकाल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने को गए थे, तभी उन्हें वहां समीक नामक एक ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने अपना मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास किया परंतु उन्हें मौन पाया, तो क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाक के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ाने का श्राप दे दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक भी सूली पर लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि मांडव को सूली पर से उतरवाया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद मांडव यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा, किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली? जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीट के पूंछ में सीख चुभाई थी, इस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र से इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि क्या धर्म है क्या अधर्म, क्योंकि
तुमने एक छोटे अपराध के लिए मुझे तगड़ा दंड दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास पाने के लिए स्वर्गलोक गए। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने यह बात अर्जुन को बताई तो उन्होंने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और उन्होंने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। जब यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरवों की नजरों से बचे रहोगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।